आप देख लो रोड की तरफ से आपको लव लेटर मिलता है जिसमें सस्ते नशों की पुड़िया, जो कि सस्ते नशे आप इसे कर सकते हो, यहाँ पे नशे की पुड़िया आपको मिल जाती है। तो आज की शो में बात करेंगे बेस्ट माइक के बारे में। दोस्तों जो पूरे यूट्यूब पे बेस्ट माइक आजकल चल रहा है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ आज, कौन सा बेस्ट माइक है, कौन सा आपको यहाँ पे अगर बेस्ट माइक लेना है तो कौन सा लेना है, और कितने रुपए का जो है माइक होने वाला है जो मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ। देखो मैं आपको दिखा दूंगा, तो अगर यहाँ पे आप देख लो रोड का माइक मेरे पास है उसके अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। पहले मैं आपको पहले बाद में वीडियो शूट कर रहा हूँ, अनबॉक्सिंग की वीडियो हमने शूट कर ली है, तो मैं अभी आपको जो बताने वाला हूँ आज के स्टूडियो में कि भाई आपको ये माइक किस तरीके से लेना चाहिए, कितने माइक आपको लेने, क्या आपको दो माइक लेने चाहिए, फिर आपको एक वाला माइक लेना चाहिए। देखो जो रोड का माइक आता है ना भाई, ये बहुत ही ज़बरदस्त माइक है, मैं आपको बता दूँ, जो भी यूट्यूबर होगा उसको पता होगा इसके बारे में। तो भाई जो रोड का माइक आता है वो सबसे बेस्ट माइक आता है और लोग इसे सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। जितने भी बड़े यूट्यूबर होंगे आप लोगों ने देखा होगा उनके पास आपको रोड का ये वाला माइक देखने को मिलेगा। ये काफ़ी महंगा आता है, सबके बजट में नहीं उतरता है भाई ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा होता है, सब नहीं खरीद पाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा। तो इस माइक का क्या फायदा है, क्यों ये सबसे बेस्ट है और क्या किस तरीके से आपको खरीदना है, कितने रुपए का है, सारी डिटेल मैं आपको सभी कुछ बताऊंगा समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे प्रेस कर लो ताकि आने वाली नई वीडियोस आपके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करता हूं और मैं आपको इसका सारे कुछ डिटेल जो है वो बता देता हूं। तो देखो यार सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये रोड के माइक जो आएगा यहां पे वायरलेस गो 2 मैंने मंगाया है और इसकी मैं आपको अनबॉक्सिंग अभी करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो यार अगर आपको इसको एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको आईफोन से कनेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके साथ क्या क्या आता है वो पूरा मैं आपको जो अनबॉक्सिंग अभी वीडियो में आपको सभी कुछ दिखा दूंगा, समझा दूंगा, बता दूंगा सभी कुछ, और जिस यहाँ पे मैं कौन सा माइक यूज कर रहा हूँ वो भी आपको बताऊंगा। जैसे आप लोगों को पता ही होगा, देखो भाई जितने भी यहाँ पे छोटे यूट्यूबर, मतलब जो आप बोल सकते हो जितने नए यहाँ पे यूट्यूबर्स हैं उनके जो यहाँ पे माइक आपको पता ही होगा, सभी लोग यहाँ पे या तो बॉय M1 या फिर कोई और सा माइक जो लगभग 1000 रुपए करीब में आ जाता है, 2000 में आ जाता है, वो यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन ये जो रोड का माइक है, आपको कोई बेस्ट माइक खरीदना है, फिर आपको इंटरव्यूज के लिए यहाँ पे माइक खरीदना है, फिर आपको यहाँ पे कॉमेडी वीडियोस के लिए माइक खरीदना है, या फिर आप जो यहाँ पे बहुत सारी और वीडियोस बनाते हैं लोग, जैसे कि बहुत सारे लोग आपने देखा यहाँ पे फोन यहाँ पे पकड़ के भाई प्रैंक वीडियो बनाते हैं, या फिर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेते रहते हैं तो यहाँ पे वो फोन का माइक यूज करते हैं। तो अगर आपको कुछ इस तरीके का माइक चाहिए भाई, आपको इंटरव्यू लेना है या फिर आपको वीडियोज बनानी है यूट्यूब के लिए, तो आपके लिए बेस्ट माइक होने वाला है रोड का, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ बताने। तो चलिए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और फिर मैं आपको पूरा का पूरा इसका समझाऊंगा क्या पूरा सिस्टम है इसके भाई बारे में और किस तरीके से आपको कनेक्ट वगैरह करना है। तो सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो भाई ये है कुछ यहाँ पे अमेज़न की तरफ से, आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स आ चुका है जो कि रोड माइक का कुछ इसी तरीके का बॉक्स आया है अमेज़न की तरफ से। करते हैं इसे सीधा सीधा अनबॉक्सिंग, ये थी मेरे पास यहाँ पे भाई, यहाँ पे मैंने पहले से जुगाड़ करके रखा हुआ है, तो मैं इसे यहाँ पे खोलता हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ पे बॉक्स ये कर दिया हमने ओपन और यहाँ पे सामने हमें देखने को मिल रहा है रोड। जी हाँ दोस्तों, रोड का माइक आप देख सकते हैं, रोड का माइक कुछ इस तरीके का बॉक्स है जो कि रोड का वायरलेस गो 2 हमारे पास यहाँ पे है, जैसे कि आप देख लो वायरलेस गो 2 मैंने मंगाया है और ड्यूल चैनल यहाँ पे वायरलेस वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं सभी कुछ इसकी पूरी डिटेल जो है इन्होंने लिखी गई है यहाँ पे, माइक्रोफोन वगैरह की 2.4GHz यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है इसका, सारी डिटेल आपको इसमें पीछे भी आपको देखने को मिल जाती है, क्या क्या इसके साथ आपको दिया गया है, USB केबल वगैरह वगैरह सभी कुछ। अभी करते हैं हम सीधा सीधा बस इस जो है यहाँ पे बॉक्स को सीधा सीधा करेंगे ओपन, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, तो मैं इससे भी यहाँ से भी जो है ओपन कर देता हूँ। तो भाई इसको भी हमने कुछ इस तरीके से ओपन कर दिया है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इसमें देखते हैं भाई क्या है इसमें। सबसे पहले तो आप ये देख लो कुछ इस तरीके का यहाँ पे एक हमें पोलोथीन देखने को मिल जाती है और इसमें कई सारी चीज़ें, देखते हैं इसके अंदर एक एक करके क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले तो आप लोगों को मिल जाएगा ये भाई एक लव लेटर, जो कि आप देख लो रोड की तरफ से आपको लव लेटर मिलता है जिसमें सारी माइक के बारे में कुछ कुछ यहाँ पे बातें बताई गई हैं किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस लव लेटर को हटाते हैं हम परे और यहाँ पे उसके बाद देखते हैं सीधा दूसरी चीज़, आपको एक केबल मिल जाएगी जो कि टाइप सी वाली, जिसको आप यहाँ पे जिससे आप इसे चार्ज करोगे फ़ोन को, ये कुछ यहाँ पे एक टाइप सी वाली देखने को मिल गई। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे दूसरी यहाँ पे कौन सी केबल मिलती है, ये भी टाइप सी केबल है जिससे हम यहाँ पे चार्ज करेंगे फ़ोन को, किसको चार्ज करेंगे वो बताऊँगा अभी आपको। दूसरी ये केबल मिल जाती है, तीसरी केबल और आपको देखने को मिलेगी, ये भी टाइप सी केबल है। तीन टाइप सी केबल आपको इसमें देखने को मिल जाती है, प्लस यहाँ पे एक और हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे केबल जो कि किस लिए है भाई है। तो भाई ये तीसरी केबल यहाँ पे चौथी केबल जो है ये भी आपको देखने को मिल जाती है। इस केबल में हमें क्या करना है यहाँ पे, ये हमारे लगेगी उसमें जो कैमरे में और ये हमारे लगेगी यहाँ पे किस में भाई रिसीवर में, क्या रिसीवर है वो भी दिखाता हूँ। ये तीनों चीज़ें ये एक पोलोथीन में हमें जो मिली है इसमें पूरा मिल गया है हमें पूरा सिस्टम, जो कि मैंने आपको दिखा दिया सारे केबल वगैरह वही मिल जाते हैं। रोड की तरफ से आपको बैग जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का बैग है, इसमें यहाँ पे आप जो अपने वायरलेस वगैरह माइक वगैरह सभी कुछ रखोगे, इसके अंदर भी कुछ इस तरीके का है भाई, इसके अंदर सभी कुछ सामान हम रख सकते हैं। तो इसको भी करता हूँ मैं साइड में और यहाँ पे आप देख लो उसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे क्या माइक।
और यहाँ पे माइक देखते हैं, यहाँ पे माइक भाई कुछ इस तरीके का है, इसको भी खोल लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या हमें देखने को मिलता है इसमें, देख लो यहाँ पे एक तो ये मिल जाती है आपको सबसे पहले तो सस्ते नशों की पुड़िया, जो कि सस्ते नशे आप इसे कर सकते हो। यहाँ पे नशे की पुड़िया आपको मिल जाती है, आपको पता ही होगा यार मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ये मिल गया है और साथ यहाँ पे आप देख लो ये तीन आपको जो है इसमें आपको वायरलेस गो प्लस यहाँ पे आप जो है टू देख सकते हो। यहाँ पे एक ये वायरलेस गो टू प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें आपके आपको तीन चीज़ें क्यों देखने को मिल रही है भाई, मेरा यहाँ पे टू का मतलब ये होता है कि भाई इसमें दो माइक आपको मिलते हैं, एक रिसीवर आपको इसमें मिलता है। तो सिंपल था, आप यहाँ पे देख लो ये रिसीवर है और ये हमारे यहाँ पे दो माइक्रोफोन है जो कि ट्रांसमीटर, और साथ ही साथ आपको ये भी मिल जाती है जिसमें आपको इनको फिट करके आप इसमें अपने नॉइज जो बाहर की आती है वो कम आती है और ये आपका जो आवाज़ जाएगी वो फिल्टर हो के जाएगी इनसे, ये भी आपको देखने को इसमें मिल जाता है। तो अभी करेंगे इनको यहाँ पे चालू और चालू करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे देख लो, तो भाई यहाँ पे ये है, यहाँ पे जो माइक आप देख लो कुछ एक तो इस तरीके का माइक है। इस माइक में आपको यहाँ पे दो लाइट यहाँ पे ऊपर में मिल जाती है और ऊपर से कुछ इस तरीके का देखने को आपको मिलता है यहाँ पे आपको जो है अपना। तो भाई यहाँ पे एक आपको जो है यहाँ पे एक और ये कुछ देखने को मिल जाता है जैक से सिस्टम, यहाँ पे जो है आपको मैं दिखा दूँ दोनों में आपको देखने को मिलेगा ये सभी में। तो मैं आपको बता दूँ, देखो यार मैं एक ये साइड में कर देता हूँ पहले आपको, ये जो है ना भाई यहाँ पे आप एक्सटर्नल एक और माइक अगर मतलब वायर वाला आपको माइक लगाना है तो उसे आप लगा सकते हो इसमें, किस तरीके से वो भी हम आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे एक बैटरी वाला मिल जाता है, एक और लाइट आपको मिल जाती है, ऊपर में जो है हमें माइक यहाँ पे मिल जाता है और साथ ही हमें जो है यहाँ पे भाई मिली थी इसको आप इसके ऊपर यहाँ पे फिट कर सकते हो। इससे क्या फायदा होता है, इससे यही फायदा होता है भाई आपकी आवाज़ जो है वो फिल्टर होकर जाएगी और बाहर की नॉइज जो है वो भी काफ़ी कम जाएगी। तो अभी उतारते हैं सबसे पहले इसकी यहाँ पे सबसे ऊपर में जो यहाँ पे आ रखी है भाई ये कुछ इस तरीके की लैमिनेशन वगैरह कुछ लगा रखी है इन्होंने, इसे आप ऊपर से यहाँ से जो है सिंपल सा उतार सकते हो। तो भाई दोनों पे आपको मिल जाती है, तो दो यहाँ पे आप देख लो ये दो जो इस वायरलेस गो टू इसका यहाँ पे नाम है, तो इसका नाम यही है। एक दो माइक आते हैं इसमें, एक वायरलेस गो वन और एक आता है टू। तो यहाँ पे एक ये मिल जाता है जो कि मैं आपको रिसीवर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको ये तो आप लगा सकते हो अपने कॉलर पे और इस पे आपको चारों तरफ रोड देखने को मिल जाएगा, रोड लिखा हुआ है यहाँ पे भी, रोड लिखा हुआ है यहाँ पे, वायरलेस गो टू लिखा हुआ है ऊपर में आपको यहाँ पे यहाँ से आवाज़ जाती है जैसे कि आपको पता ही है। तो सिंपल था, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसको भी रिसीवर पे भी क्लिक कर देता हूँ। रिसीवर आप जो है रिसीवर को भी मैं दिखा देता हूँ रिसीवर पे क्या सिस्टम है। रिसीवर में आपको दो यहाँ पे जो है वो बटन देखने को मिल जाएंगे, एक यहाँ पे म्यूट वाला बटन है और यहाँ पे नेविगेशन वाला बटन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हो, सेम ये भी इसी तरीके से मिल जाता है जो कि आपको सिंपल था। इसमें क्या करना होगा, मैं जो भाई हमें ये वाली केबल मिली थी मैं आपको दिखा दूँ। तो भाई ये वाली जो केबल है, ये वाली केबल एक हमारी जो रिसीवर है, रिसीवर में हम इस तरीके से लगा देंगे और ये वाली लग जाएगी हमारे किस में भाई, हमारे कैमरे में, जो डायरेक्ट हमारी वॉइस जो है उसमें रिकॉर्ड होती रहेगी प्लस इसमें भी आपकी रिकॉर्ड होती है। सबसे पहले हम करते हैं भाई इसको भी यहाँ पे सिंपल सा ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे ऑन वाला जो बटन है हमें ये मिल जाता है इसका, तो ऊपर जो है आपको ये बटन मिल जाएगा, इसको आप यहाँ पे प्रेस करके रखोगे तो ये आपका जो है वो ऑन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसमें एक छोटी सी स्क्रीन भी मिल जाती है प्लस एक माइक की आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी अभी फिलहाल कनेक्ट नहीं हो रखा है क्योंकि उनको भी ऑन करना पड़ता है। तो ये रिसीवर है, रिसीवर में आपको यहाँ पे एक स्क्रीन देखने को मिलती है प्लस इनको भी आपको पहले यहाँ पे बटन है इसको भी इसको दबा के रखोगे तो ये भी आपका यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो सिंपल था, आप देख लो एक लाइट यहाँ पे जो है वो जल चुकी है और दूसरी लाइट यहाँ पे ब्लिंक कर रही है, वो इसलिए क्योंकि भाई ये वाला जो चार्ज नहीं है, कम चार्ज है तो इसलिए दिखा रहा है। और यहाँ पे आप देखो ये वाला जो माइक है, मैं यहाँ पे माइक से अगर मैं दिखाऊँ तो ये बोलना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे ये देखने को मिल रही होगी कि भाई मेरी आवाज़ जा रही है, इसीलिए ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख लो डायरेक्ट यहाँ पे चल चुका है, लेकिन अभी क्या हो रहा है हमारा एक ही माइक चल रहा है। तो हमें दोनों माइक चलाने के लिए सिंपल था, मैं इसको भी ऑन करूँगा, ऑन करने के बाद आपको जो है यहाँ पे इसको भी ऑन कर देता हूँ। तो ये भी ऑन हो चुका है और अभी दोनों माइक की जो है हमारी आवाज़ आ रही है, जैसे कि आप देख लो यहाँ पे दोनों माइक की आवाज़ आ रखी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो दोनों माइक हमारे चल चुके हैं, अभी दोनों से आवाज़ जा रही है और दोनों से यहाँ पे हमारा काम हो रखा है। प्लस यहाँ पे माइक में आपके कितनी बैटरी है वो यहाँ पे आपको शो करता रहता है, देख लो भाई यहाँ पे इस तरीके से माइक की बैटरी जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसी तरीके से जो केबल आपको दी गई थी, वे इतनी तीन तीन जो केबल दी गई है, तो तीनों केबल इसलिए दी गई है भाई, एक केबल इसमें लगेगी, एक इसमें लगेगी और एक इसमें लगेगी, तो तीनों चीज़ें चार्ज होती हैं। 7 घंटे का इसका बैटरी पिकअप है, मतलब 7 घंटे तक आप लगातार इनको जो है मतलब यूज़ कर सकते हो। और 200 मीटर का आपको पता ही है इसका, 200 मीटर तक भी अगर ये इसका यहाँ पे जो है माइक होगा तो ये जो है मतलब रिकॉर्ड करेगा। तो फिलहाल मैं इन्हें करता हूँ यहाँ पे सीधा सीधा बंद, इस पर प्रेस करके रखोगे बटन से तो बंद हो जाता है, आपको देखने को मिल ही रहा होगा। तो जो भाई जो हम आपको यहाँ पे बटन बताया था नेविगेशन वाला, यहाँ से आप जो इसकी सेटिंग वगैरह जो आप यहाँ से कर सकते हो, देख सकते हो इसको प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे जो है ये देख लो अभी यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है और यहाँ पे ये अलग अलग चीज़ें आप इससे यहाँ पे काम कर सकते हो। इसको भी आप प्रेस करके रखोगे दूसरे वाले बटन को तो इससे भी इसी तरीके से काम होते हैं, देख लो यहाँ पे 24 यहाँ पे वो हो गया, इस तरीके से मतलब इसे घटा बढ़ा सकते हो आप। तो ये देख
लो अभी नेविगेशन वाला बटन भी यहाँ पे काम कर रहा है। तो इस तरीके से होता है भाई, इस तरीके से आप पूरा इसको जो है वो सेट कर सकते हो। तो भाई जैसे कि आपने यहाँ पे मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो पूरी देख ली, जो कुछ इसके साथ आया था मैंने आपको सब कुछ दिखाया समझाया। अभी मैं आपको इसको कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा और इसकी आवाज कैसी आती है वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी तक जितनी भी आप वीडियो देख रहे थे मेरी, वो सारी की सारी मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे बोया का M1 माइक, जो कि मैं अभी यूज करता आ रहा हूँ काफी दिन से। तो अभी तो यूज कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं आपकी इसकी कैसी क्वालिटी आवाज आती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। लेकिन अभी बात करते हैं सबसे पहले कि भाई ये आपको अगर आपको अपने फोन के एंड्रॉइड के लिए खरीदना है, तो आईफोन के लिए खरीदना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो यार, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जैसे कि मैंने आपको दिखाया, दो मेरे पास ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है, जिसमें एक मैं आपको रिसीव हो गया। तो जो रिसीवर है इसमें क्या, अगर आपके पास कैमरा है तो कैमरे के लिए आपको खरीदना है, तो आपको रिसीवर में क्या करना पड़ता है, बस रिसीवर में ये लगाओ और ये एक केबल जो अपने कैमरे में लगा दो, ये तो आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको यहाँ पे जो है, अगर आपको जो यहाँ पे भाई अपने एंड्रॉइड में इसको यूज करना है, मतलब जो रिसीवर है आपको एंड्रॉइड में लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपके माइक आपको अपने कॉलर पे लगा लेने और आपकी यहाँ पे रिकॉर्डिंग चलनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये तो इसमें तो हमें मिल जाता है भाई, जो रोड के माइक के साथ हमें मिली है केबल, ये वाली मिल गई। लेकिन हमें जो यहाँ पे एंड्रॉइड के लिए क्या करना पड़ेगा, आईफोन के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास आईफोन है तो आपको सबसे पहले ये एक यहाँ पे जो है इस तरीके की डाटा आती है, ये खरीदनी पड़ेगी। इस तरफ यहाँ पे जो है इसमें ये लग जाता है भाई, तो ये खरीदनी पड़ेगी सबसे पहले ये वाली डाटा आपको, जिसमें यहाँ पे आईफोन का जो चार्जिंग रहता है, तो वही वाली पिन आपको मिल जाएगी। प्लस इधर जो आपको एक एक्सटर्नल और यहाँ पे जो है वो खरीदनी पड़ेगी, वो भी आपको बता दें। देखो ये तो जो ये वाली केबल हमें मिली है इस माइक के साथ, ये वाली तो सिर्फ इसमें रिसीवर में लगेगी और ये सिर्फ कैमरे में लग सकती है, लेकिन ये हमारे जो फ़ोन है उसमें नहीं लग सकती। अगर आप इसको इसमें भी लगाओगे तो इसमें भी ये नहीं लगती है, इसमें भी अगर मैं इसे लगाता हूँ तो ये इसमें भी नहीं लगती है। तो इसके लिए आपको ये एक, अगर आपको एंड्रॉयड और आईफोन में इसे यूज़ करना है रोड के माइक को, तो आपको एक इस तरीके की एक यहाँ पे SC7 के नाम से भाई, यहाँ पे SC7 के यहाँ पे एक इस तरीके की केबल आएगी, जिसमें दोनों तरफ इस तरीके का ही पिन होगा, लेकिन वो आपको यहाँ पे एक रिसीवर में लगेगा, एक यहाँ पे आपका एंड्रॉयड या फिर आईफोन में ये लगा के आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, जैसे कि भाई पुराने टाइप के आते थे, उसमें तो क्या होता था भाई, हमारी एयरफोन आती थी इस तरीके का आता था, उसके अंदर लगा के हम एयरफोन में यूज़ कर लेते थे। लेकिन अभी क्या हो गया भाई, बहुत सारे फोन में, जिस तरीके आईफोन में आता है, अभी बहुत सारे फोन में जो एंड्रॉइड फोन है उनमें भी टाइप सी आने लगा है। तो टाइप सी वाले में भी आपको पहले इसी तरीके, जिस तरह आपको आईफोन पे खरीदनी पड़ रही है, इसी तरीके पहले आपको टाइप सी की खरीदनी पड़ेगी, उसके बाद ही उसमें आपका माइक यूज कर सकोगे। तो आप एंड्रॉइड के लिए आपको दो केबल यहाँ पे खरीदनी पड़ेगी, एक ये वाली जो कि आपको यहाँ पे अगर टाइप सी फोन है या फिर आपका आईफोन है तो ये वाली खरीदनी पड़ेगी, प्लस इस तरीके की एक एंड्रॉइड की आपको रोड की आप खरीद सकते हो SC7, ये भाई आप देख लो यहाँ पे SC7 आप खरीद सकते हो अमेज़न से, ये भी आपको लगभग 1200 रुपये करीब की आएगी, ये भी आपके घर आ जाएगी। तो ये वाली जो केबल थी वो तो थी सिर्फ यहाँ पे कैमरा के लिए, प्लस ये वाली जो केबल मैंने आपको बताई वो है भाई एंड्रॉइड और आईफोन के लिए, तो उसको भी आपको मंगाना पड़ेगा ज़रूर से, तभी आप उसको रिसीवर को यूज़ कर पाओगे, उसके बाद माइक भी आपके चलने स्टार्ट हो जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया। तो ये बात तो हो गई भाई यहाँ पे आईफोन की, एंड्रॉइड की किस तरीके से कनेक्ट करना है वो सारी बात मैंने आपको बता दी समझा दी। और अभी बात करते हैं इसकी आवाज़ की क्वालिटी की भाई, इसके आखिर वॉइस जो है इसकी आवाज़ कैसी रिकॉर्डिंग होती है और कैसी आपको देखने को मिलेगी। तो अभी तक जो आप मेरी आवाज़ पूरी वीडियो की सुन रहे थे वो सारी के सारी भाई किससे शूट हो रही है, वो सारी बोया M1 के माइक से। प्लस अगर आपको यहाँ पे भी आपको जो है सीधा सीधा मैं क्या करूँगा, इसे कनेक्ट करता हूँ रिसीवर को, लगाता हूँ अपने यहाँ पे कैमरे पे, रिसीवर को कैमरे पे लगाता हूँ और फिर मैं आपको अभी इसके बाद आवाज़ सुनाता हूँ किसकी भाई, रोड के माइक की, रोड के माइक की आवाज़ कैसी आती है। तो मैं आपको यहाँ पे अभी सुनाता हूँ, मैं अपने रिसीवर लगाता हूँ वहाँ पे और माइक लेके आता हूँ यहाँ। तो भाई अभी तक जो आप आवाज़ सुन रहे थे वो सारी सुन रहे थे किससे, बोया के माइक से। लेकिन अगर अभी जो आपको आवाज़ देख रहे हो सुनने को मिल रही है वो आ रही है भाई किसके, रोड के माइक से, जो हमने नया रोड का माइक मंगाया है वो, उसके भी आपको आवाज़ देखने को मिली होगी। तो ये जो वॉइस क्वालिटी आपको देखने को मिली है रोड की, रोड से आ रही है जो कि आप देख सकते हैं, मतलब ज़बरदस्त। अभी मुझे तो पता नहीं भाई कैसी आ रही होगी, जब मैं वीडियो एडिट करूँगा तब पता लगेगा, लेकिन मुझे लग रहा है मस्त आ रही होगी, जिसकी भी मैंने अभी तक यहाँ पे इसका जितने भी लोगों का यहाँ पे टेस्ट देखा था। तो ये रोड का माइक है, एक माइक देखो यहाँ पे अभी क्या कर सकता हूँ मैं, इसे यहाँ पे सिंपल सा अपने कॉलर पे जो है यहाँ पे इसे लगा सकता हूँ, कॉलर पे लग गया है। तो अभी आपको आवाज़ जो है बिल्कुल काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की देखने को मिल रही होगी, नॉइज़ वगैरह भी नहीं आ रही होगी। प्लस आपको मैं बता दूँ मैंने क्या करा, यहाँ पे रिसीवर अपने कैमरे पे लगा दिया और मेरे यहाँ पे कॉलर पे लग चुका है। अभी एक माइक मेरे यहाँ पे कॉलर पे लगा है, लेकिन मैंने दो वाला मंगाया क्योंकि भाई मुझे यहाँ पे लोगों के इंटरव्यूज लेने हैं या फिर कुछ भी करना हो तो मुझे दूसरे माइक का भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन आप दोनों माइक को एक साथ चला सकते हो, तो मैंने सिंपल सा बटन दबा के चलाया और इसी तरीके से मैं दूसरा वाला भी दिखाता हूँ। तो बटन इसमें आपको मिलता ही है जैसे मैंने आपको बताया था सभी कुछ अभी, तो इसको भी मैं चालू करूंगा अगर अभी, तो ये भी देख लो यहाँ पे चालू हो चुका है। तो दोनों माइक मेरे यहाँ पे चालू हो चुके हैं और दोनों से अभी आपको आवाज आ रही होगी, तो सेम आवाज आ रही है। तो मगर आपको दिखाऊं तो ये मैं आपको
करके दिखाऊं तो ये अगर मैं दूसरा वाला यहाँ पे ले जाता हूँ माइक, तो इस वाले माइक से सिर्फ आवाज़ आ रही होगी आपको, और अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो अभी आपको इससे आवाज़ आ रही होगी। दोनों में बहुत सारी और भी बहुत सारी सेटिंग्स है यार इसमें दुनिया भर की इन यहाँ पे माइक्स में। बाकी आप यहाँ पे रिसीवर में काफ़ी सारी जो स्क्रीन मिलती है आपको छोटी सी, उससे आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो यार दोनों माइक यहाँ पे, दोनों में लाइट जल रही है, मतलब दोनों हमारे यहाँ पे माइक जो है वो काम कर रहे हैं। तो दोनों की मैंने आपको बैटरी पिकअप भी बताया था भाई, 7 घंटे का बैटरी पिकअप है, मतलब 7 घंटे तक आप इसे लगातार यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको इसे जो 3 यहाँ पे केबल मिली आपको उनसे चार्ज करके आपको दोबारा से अपना रिसीवर भी चार्ज करना पड़ता है, ये भी चार्ज करने पड़ते हैं, तो इन्हें चार्ज करके आप दोबारा से फिर से यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया माइक है, अभी तक आप जो आवाज़ सुन रहे हो सारी इसी से आ रही है। तो सारा टेस्ट वेस्ट होल है सभी कुछ मैंने आपको बता दिया, अभी बात करते हैं इसके प्राइस की भाई, क्या क्या प्राइस है इनके आखिर। तो इसका प्राइस जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो अगर यहाँ पे आपको 2 वाला माइक खरीदना है वो कितने का है और 1 वाला कितने का है। देखो एक माइक वाला अगर आप खरीदोगे जिसमें एक रिसीवर आएगा जो आपके फ़ोन पे कैमरे पे लगेगा और एक ये माइक आएगा, वो पड़ेगा आपको 21 से 22 हज़ार रुपये का, आप अमेजोन से उसे खरीद सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, अगर आप 2 वाला खरीदते हो तो 2 वाले में आपका लगभग 10 हज़ार का फ़ायदा है, मतलब एक 10 हज़ार का पड़ता है आपको, एक रिसीवर 10 का पड़ गया, 10 का पड़ गया। अगर आप एक्स्ट्रा एक और माइक इसमें खरीदोगे, जैसे कि मैंने वायरलेस गो खरीदा, एक इसमें यहाँ पे रॉड माइक जो यहाँ पे आता है भाई वायरलेस 1 और एक आता है 2, तो 2 वाले में मतलब 2 माइक आएंगे और एक रिसीवर आएगा, 1 वाले में सिंपल था 22 हज़ार रुपये में आपको एक रिसीवर आएगा, एक माइक आएगा। तो पहले वाले में तो भाई मैंने 2 वाला खरीदा है, इसमें 2 माइक मुझे मिले हैं और एक यहाँ पर रिसीवर मिला है। तो इस तरीके से आप देख लो, इस तरीके से आप खरीद सकते हो। जो 2 वाला है उसकी कीमत है भाई 32 हज़ार रुपये, आप अमेजोन से इसे परचेज कर सकते हो, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में अगर आप करना चाहते हो। दूसरी चीज़ ये बता दूँ, जो भी मैं वीडियो बना रहा था भाई, कोई स्पॉन्सर वगैरह वीडियो नहीं है, मैं डायरेक्ट मैंने खरीदा है इसलिए मैं आपको इसकी वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो बहुत ही बढ़िया माइक है, अगर आप बेस्ट माइक यहाँ पे यूट्यूब पे तलाश कर रहे थे तो भाई ये सबसे बेस्ट माइक है, आप जाके इसे खरीद सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो दुनिया भर के यूट्यूबर्स इसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि भाई ये बेस्ट माइक है और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त काम भी करता है। और इसको मतलब जो है, इसकी अगर आप बहुत दूर जाके भी, मतलब कैमरा बहुत दूर लगा हुआ है आपका और आप जा लें 150-200 मीटर पर, फिर भी आपकी आवाज़ को जो यहाँ पर रिकॉर्ड करेगा। और भी बहुत सारी इसमें सेटिंग्स हैं दुनिया भर की, वो आप यहाँ पे एप्लीकेशन इनके डाउनलोड करके चेक कर सकते हो सभी कुछ। तो भाई जितना मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, प्राइस वगैरह सभी कुछ बता दिया आपको इसका, जितना भाई मुझे पता था, जितनी मैंने अनबॉक्सिंग करनी थी वो कर दी। आप लोगों को वीडियो पता नहीं कैसी लगी होगी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार प्लीज़ जल्दी से बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, मैं इसी वीडियो अपडेट ला के आप लोगों को देता रहूँगा। थैंक यू।